ग्रामीण इलाकों में बनी सड़कों की हालत ठीक नहीं है। गिरसुल से कैंट पदर तक बनी सड़क के गड्ढे हैं और या फिर गड्ढों में सड़क है, ये बताना मुश्किल है। 5 किलोमीटर की सड़क पर एक दर्जन से ज्यादा गांव के लोग रोज गुजरते हैं। गड्ढों के कारण राहगीरों को रोज हादसों का शिकार होना पड़ता है। रस्सी पर खाल पानी पड़ गया, पुलिया हमारे इस इलाके में बहुत दिक्कत होता है। क्या ये एक्सीडेंट हो जाता है, रस्ते जाम हो जाते हैं, हमारे आदमी में बहुत दिक्कत हो जाता है। गाड़ी चलते हुए हमारे वो जो टीचर है हमारे फेस कपड़े में हो जाते हैं, तो हम घर पे चले जाते हैं। बहुत नुकसान हो रहा है, कम से कम हो गया ना रस्ते को 6-5 महीना, लेकिन कोई भी अधिकारी कोई भी नहीं आ रहे हैं यहाँ देखने वगैरह। बहुत सी दिक्कत है, PWD विभाग इसका ध्यान ही नहीं दे रहा है। यहाँ 3000-4000 लोग डेली आना जाना कर रहे हैं, और खासकर तो विशेष तो बच्चे लोग हैं जो यहाँ पे स्कूल है 12वीं तक का, इसमें गिरसुल से, बाणी गांव से, कैंट पदर से और खजूर पदर, भवन माल सबसे बच्चे लोग आते हैं। इनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और विभाग की लापरवाही से इतने इतने बड़े गड्ढे बन गए हैं कि नाला टाइप के बन गए हैं। इसमें बच्चे लोग को सबसे ज्यादा असुविधा हो रही है। मरम्मत पहले भी किया गया था, जो पानी गिरा तो डैमेज हो गया, अभी मरम्मत चालू है, रोड में अभी मरम्मत करा रहे हैं। वहाँ पर के ग्रामीण बोलते हैं कि गड्ढों में सड़क है, यहाँ सड़क में गड्ढे नहीं, बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, डबरा भर जाता है बहुत सारे। नहीं खराब तो है वो रोड, उसमें प्रार्थना भेजा गया है मरम्मत के लिए, स्थिति आ जाएगी तब उसको कम्प्लीट करा। हिंदी में एक बहुत पुरानी कहावत है।